हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सो गाइस टुडे योर टॉपिक इज इंटरसेक्शन तो गाइस आज हम इंटरसेक्शन पढ़ेंगे जो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये भी एक टॉपिक है जैसे हमने बहुत सारे टॉपिक्स को एक्सरसाइजेस कर ली हैं एडवर्ब की एडजेक्टिव की आपकी प्रिपोजिशन की डेटरमाइनर्स की, की तो आज नाउन प्रनाउन प्रनाउन की भी कर ली है, तो आज हम इंटरसेक्शन की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे कि इंटरसेक्शन होता क्या है और इसमें कौन-कौन से एक्सरसाइज हम कैसे-कैसे सेंटेंसेस -कैसे जो है वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं फर्स्ट व्हाट इज इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन क्या होता है तो इंटरसेक्शन आर वर्ड्स यूज्ड टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशंस वो कहता है इंटरजेक्शन वो वाले वर्ड्स होते हैं जो हम यूज करते हैं किसको एक्सप्रेस करने के लिए अपनी सडन फीलिंग को या इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए जैसे फॉर एग्जाम्पल की हम कहीं जैसे हम कोई चीज देख लेते हैं हम बोलते हैं ना ओ माई गॉड ये क्या हो गया तो ओ माई ओ जो वर्ड है ओ oh गॉड जो है दैट इज द इंटरजेक्शन इस जस्ट लाइक इंटरसेक्शन हो जाता है जैसे हम बोलते हैं वाओ दैट्स रियली ग्रेट न्यूज ये तो बहुत अच्छी न्यूज है ठीक है तो Wow, जो वर्ड है दैट शोज द इंटरसेक्शन उसी को हम इंटरसेक्शन कहते हैं जैसे हुरे आई हैव पास्ड द एग्जाम वो बहुत खुश है तो खुशी में हुर्रे है कि मैं बहुत ही खुश हूं और वो कह रहा है कि मेरा एग्जाम जो है वो मैं पास कर चुका हूँ तो दैट इज द फीलिंग ऑफ और वाओ जब हम यूज करते हैं दैट इज द फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट जब आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं तो वो कह रहा है कि ये इंटरसेक्शन वही वर्ड्स हैं जो हमारी सडन फीलिंग्स को इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं दैट आर नाउन एज द इंटरसेक्शन ओके गाइज तो

वाह wow नहीं हो सकता क्योंकि देखिए अब इंटरसेक्शन आपने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लगाना है कि क्या हो सकता है यहाँ पे क्या आएगा हम बोलते हैं ना आई हियर कोई कुछ बोल रहा है हम बोलते हैं कि चुप हो जाओ तो इसका जो आंसर है दैट इज द सी जो आंसर है सेकंड सेंटेंस डैश दैट फील्स अमेजिंग वो कह रहा है डैश दैट फील्स अमेजिंग तो that क्या? सॉरी <laughs> अब इसका राइट आंसर जो होगा दैट इज आह वो कह रहा है आह दैट फील्स अमेजिंग हम बोलते हैं ना वो तो आह ये तो हम बहुत ही अमेजिंग लग रहा है ये कुछ खाके जा हम जो कुछ खाते हैं तो हम बोलते हैं ना वाओ वो इट्स वेरी अमेजिंग है ना तो हम कभी कभी आह वर्ड भी यूज करते हैं इसके लिए तो ये भी आपका इंटरजेक्शन है देन डैश आई है एग्जाम जी मैंने आपको फर्स्ट लाइड में भी देखेटेबल वो, तो वो, वो, right like वो कह रहे हैं ओ आई डोंट लाइक दिस वेजिटेबल तो यहाँ पे जो मतलब उसकी डिसलाइकिंग वाली फीलिंग है तो यहाँ पे जो सी आंसर होगा वो आई डोंट लाइक दिस वेजिटेबल तो यहाँ पे ये आंसर आएगा ठीक है uh, डैश दैट्स रियली ग्रेट न्यूज वो कह रहा है वाओ दैट्स रियली ग्रेट न्यूज जैसे लगा लो आप स्कूल जाते हो तो आपको छुट्टी मिल गई आज स्कूल से तो आप क्या बोलते हो वाओ दैट्स रियली ग्रेट न्यूज ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज है ठीक है तो इसका आंसर जो होगा वो वाओ होगा तो नेक्स्ट इज यूर वॉट अ ब्यूटिफुल ड्रेस तो हम बोलते हैं ना हाउ वॉट ही ओ या हम कौन सा वर्ड आएगा या कई बार हम वाव भी यूज कर सकते हैं, जगह पे सेम भी हो सकते हैं. ओ आल्सो बी राइट तो, तो कई बार हम देखे बोलते हैं ना अ ब्यूटीफुल ड्रेस कितना सुंदर है ना तो यहाँ पे ओ ऑप्शन है तो हम ओ लगाएंगे तो डैश आई स्पाइर आई स्पेल्ड माई कॉफी ऑल ओवर द टेबल वो कहता है ओ ओप्स मतलब होता है जब हम कुछ गलत हो जाए है ना हम बोलते हैं तो वो उस, उस कॉफी क्या होगी सारी टेबल पे बिखर गई मतलब, तो बी आंसर जो होगा विल बी द राइट इट इज़ आई बिलीव दैट यू आर कमिंग हियर वो कह रहा है मैं बिलीव नहीं कर सकता यू आर कमिंग हियर तो यहाँ पे क्या आएगा वो कह रहा है आई कांट बिलीव मैं बिलीव नहीं कर सकता कि आप यहाँ पे आ रहे हो ये तो बहुत खुश है कि मतलब मुझे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं आ आ रहा कि तुम वहाँ पे आ सकते हो ये आई एम सो हैप्पी आ गई होगा कि वो बहुत ही खुश है तो ये जो है दैट इज द राइट आंसर जस्ट लुक एट द दपीज वो क्या कर रहे है जस्ट लुक एट द दपीज लुक उन पपीज की तरफ देख रहा है तो इसका जो राइट आंसर आ आओ यस लुक एट द पपीज वो कह रहा है आओ देखो जस्ट उनकी पपीज की तरफ देखो ठीक है वो देखता है पपीज की तरफ तो नेक्स्ट जो है डैश कैन यू रिपीट द क्वेश्चन वो कह रहे हैं कैन यू रिपीट द क्वेश्चन क्या तुम फिर से क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो ओहो जैसे हम हो कैन यू रिपीट द क्वेश्चन तो यहाँ पे ऐसे साउंड देखिए अलग तरीके से होती है यहाँ पे वर्ड्स को देखिए तो ऐसे जैसे हम अपनी डेली लैंग्वेज में यूज करते हैं तो साउंडेशन जो है थोड़ा सा ओवर हो जाती है लेकिन ये इंग्लिश में लिखे इसलिए आपको लग रहा होगा कि ये डिफरेंट वर्ड्स है लेकिन ये वही है जो हम यूज करते हैं डैश यू आर स्टेपिंग ऑन माई फू फीट माई फूट तो वो कह रहा है आउच यू आर स्टेपिंग ऑन माई फूट हाँ बोलते हैं ना आउच मुझे चोट लग गई ठीक है तो वो कह रहा है आउट यू आर स्टेपिंग ऑन माई फूट मेरे फूट पे फूट पे क्या हो गए मतलब स्टेप रख दिया ओ डैश डज इट हर्ट ओ क्या ये तुम्हें हर्ट कर गया ओ ओ डियर डियर डज इट हर्ट क्या तुम्हें ये हर्ट कर गया करता है मतलब ठीक है जो भी उसने किया होगा तो बी आंसर इज द राइट नेक्स्ट डैश दैट सीम्स गुड कह रहा है <coughs> That seems good. तो इसका राइट right आंसर रहेगा आट सीम्स गुड ये जो है ये बहुत ही अच्छा दिखता है नेक्स्ट डैश डेट नाउ वो क्या अब ये क्या है अलास एलास जब हम से लिए होते हैं तो अलास का यूज करते हैं तो वो कहते हैं एलास शीज डेड नाउ वो क्या है अभी मर चुकी है मर गई मतलब इट्स हॉड टू डे डैश आई सेट्स हॉट टूडे कहता है इट्स हॉट टूडे ये आई सेट इट्स हॉट टूडे तो वो क्या कह रहा है इट्स आज बहुत गर्म है तो so, सी जो है वो राइट आंसर रहेगा इसका आई सेट मैंने कहा था कि आज बहुत ही क्या है हॉट है तो गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा चूज द मोस्ट सुटेबल इंटरजेक्शन इन द सेंटेंस तो सेंटेंस है हमारा आपको यहाँ पे सेंटेंस गिवन है इसी में से आपको इंटरजेक्शन को चूज करना है यस यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट वो कह रहा है हाँ तुम बिल्कुल क्या हो सही हो तो गाइस यहाँ पे जो करेक्ट इंटरजेक्शन रहेगा दैट इज द यस यस वर्ड जो है दैट इज शोइंग यू फीलिंग तो यस yes, जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा द नेक्स्ट इज

इंटरसेक्शन ठीक है तो डीप आर जो होगा right with me. हो सकता है कोई आपके साथ कोई argument बना रहा हो तो आप उसको क्या बोलते हो listen सुनो मेरी बात don't make an argument with me मेरे साथ कोई argument मत करो ठीक है तो listen जो होगा that will be the right answer. नेक्स्ट लुक द क्लाउड्स और एज वाइट एज स्नो हम कई बार बोलते हैं ना देखो देखो बादल बिल्कुल बर्फ की तरह लग रहे हैं तो यहाँ पे जो वो यही बात कह रहा है कि द क्लाउड्स जो है आर एज वाइट एज स्नो तो जो क्लाउड्स है वो बिल्कुल ही स्नो की तरह व्हाइट लग रहे हैं तो लुक लुक जो वर्ड होगा दैट शोज द इंटरजेंशन नेक्स्ट गाइस ये आपको मैंने ये आपका जो डेटरमाइनर्स की वीडियोस थी आपको होमवर्क के लिए दी थी ये वो है तो पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं आई डोंट थिंक देयर विल बी शॉर्टेज ऑफ यूजेबल वाटर बिकॉज देयर वॉज डैश तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा अलॉट ऑफ रेनफॉल येस्टडे ठीक है ऑल दो शी थॉट न्यू शी न्यू डैश ऑफ द सब्जेक्ट तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा मच ऑफ द सब्जेक्ट both players in the tennis match have been warned by the referee but neither but neither of them seems to take it seriously lekin koi bhi usme se usko serious nahi leta hai theek hai very few people fly just because of the terrorist activities wo kehta bahut hi कुछ लोग ही मतलब फ्लाई कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द टेररिस्ट एक्टिविटी के कारण अनफॉर्चुनेटली आई है वो कहता है अनफॉर्चुनेटली मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिलता की मैं टीवी को वॉच कर सकू ठीक है मच ऑफ वट ही सेट वॉज वेरी सेंसिबल यहाँ पे आपका रहेगा मच वो कहता है मच ऑफ वट ही सेट वॉज ज्यादा जो भी कुछ कह रहा है कहा था उसने वॉज वेरी सेंसिबल वो बहुत ही ज्यादा सेंसिबल था द लिस्ट हैड बीन मेमोराइज्ड बाय डैश ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे आएगा ऑल ऑफ द स्टूडेंट एंड ईच वन स्कोर्ड ओवर एसेंट ऑफ द एग्जाम ठीक है इन माई कंट्री डैश यूनिवर्सिटीज ऑफन वाइड रेंज ऑफ कोर्सिस वो कहता है मेरी यूनिवर्सिटीज मेरी कंट्री में मोस्ट ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज थी वो उन्होंने क्या वाइड रेंज ऑफ कोर्सिस को ऑफर किया था यू कैन वीज मैप एटेशन आपनी स्टेशन यू कैन वे दिस मैप एटी स्टेशन दे ऑल है सभी के पास ये होते हैं तो गाइज ये आपके नाइन सेंटेंसेज थे जो आपके डिटरमाइनर्स के थे आपको दिए थे आई होप की ये आपके सारे सेंटेंसेज यही होंगे तो नेक्स्ट गाइज ये आपकी इंटरजेक्शन है तो यहाँ पे ये यह आपके टेंसन टेंसेज है इंटरजेक्शन के ये आपके बहुत आ इजी भी है और आप अपने डेली लाइफ में यूज करते रहते हैं इंटरजेक्शन को तो गाइस ये आपका होमवर्क रहेगा तो देखते हैं आप किस तरह के इसे फिल करते हैं प्रॉपर तरीके से फिल कीजिए डेली लाइफ में सोच लीजिए कि आप कैसे कैसे बोलते हैं ये उसी के अकॉर्डिंग है तो आपके सडन फीलिंग है आप खुशी वाली हैप्पीनेस शो कर रहे हैं सैड तो वाली फीलिंग्स हैं तो जिस तरह से उसी तरह से आप ऑप्शन को फिल कर सकते हैं ऑप्शन आर ऑल्सो गिवन तो गाइज आई होप की आपको समझ में आया होगा इंटरसेंशन और डेटरमाइनर की जो वीडियो हमने एक्सरसाइज जो सोल्व की वो भी समझ में आ गया होगा तो ये आपका होमवर्क है तो टूमो वी विल डिस्कस दिस एक्सरसाइज ओके थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग माय वीडियो ओके फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल